दुनिया की सबसे रहस्यमय और चमत्कारी जगहों में से एक है हाजी अली दरगाह। यह एक ऐसी दरगाह है जिसमें इतनी ज्यादा ताकत है कि समुद्र की तेज लहरें भी इसे छू नहीं पाती हैं, चाहे सुनामी आ जाए या बाढ़, लेकिन एक बूंद भी दरगाह के अंदर प्रवेश नहीं करता है। समुद्र के बीच बनी इस दरगाह को सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी यह दरगाह वैसी की वैसी ही है। समुद्र के किनारे से इस दरगाह तक जाने के लिए एक पुल बना हुआ है, लेकिन यह पुल भी समुद्र की लहरों में गुम हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद समुद्र की लहरों का एक बूंद पानी भी दरगाह तक नहीं पहुंचता है। आखिर कौन सी वह शक्ति है जो हाजी अली दरगाह को डूबने नहीं देती है, और क्यों यहाँ पर मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है? और इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ महिलाओं का आना क्यों मना है? आज हम इन सब के बारे में बताएंगे, साथ ही उस राज से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्यों नहीं डूबती है हाजी अली दरगाह। हाजी अली दरगाह मुंबई से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। यह दरगाह उन पवित्र स्थानों में है जहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं और सच्चे मन से अपनी इच्छाओं को खुदा के सामने रखते हैं। कहा जाता है यहाँ धागा बांधने से हर मन्नत पूरी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है हाजी अली एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक दिन जब हाजी अली उज्बेकिस्तान के रेगिस्तान में नमाज पढ़ रहे थे, तो उनके सामने से एक रोती हुई महिला गुजरी। हाजी अली ने जब उस महिला से रोने का कारण पूछा, फिर महिला ने बताया वो तेल खरीदने गई थी, लेकिन वापस आते वक्त उसके हाथ से तेल का बर्तन गिर गया और पूरा तेल बर्बाद हो गया। जब वो घर वापस जाएगी तो उसका पति उसे मारेगा। महिला की सारी बातें सुनकर हाजी अली ने उसे चुप रहने के लिए कहा और कहा कि मुझे उस जगह लेकर जाओ जहाँ तेल का बर्तन गिरा था। जब महिला हाजी अली को उस जगह ले गई, तो वहाँ पहुँचते ही हाजी अली ने जमीन में अपना अंगूठा गाड़ दिया। कहा जाता है जैसे ही हाजी अली ने अपना अंगूठा जमीन से बाहर निकाला, वहाँ तेल का फव्वारा बहने लगा। महिला इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हुई। उस महिला को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और उसने गिरते हुए तेल को अपने बर्तन पर भरना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद हाजी अली को बुरे बुरे सपने आने लगे, यहाँ तक कि वह बीमार भी पड़ गए। हाजी अली बीमार इसलिए हो गए थे क्योंकि उन्हें यह लगा कि महिला के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने धरती को चोट पहुंचाई है। इन सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए हाजी अली व्यापार करने के लिए अपने भाई के साथ मुंबई आ गए और उस जगह पर रहने लगे जहां उनकी दरगाह बनी हुई है। लोगों का कहना है उनके भाई वापस चले गए, लेकिन हाजी अली वहीं रुक गए और इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे। हालांकि एक कहानी और भी ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है मक्का की यात्रा के दौरान हाजी अली ने अपनी पूरी दौलत गरीबों में बांट दी थी, लेकिन उसी यात्रा के दौरान उनकी मौत भी हो गई। हाजी अली की यह इच्छा थी कि मरने के बाद उनके शरीर को ताबूत में बंधकर बहा दिया जाए, और ठीक ऐसा किया भी गया। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उनका ताबूत समुद्र में बिना डूबे मुंबई तक जा पहुंचा और उस ताबूत के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गया। इस चमत्कारी घटना को देखते हुए लोगों को यकीन हो गया कि इसमें कुछ असामान्य शक्ति जरूर है। इसलिए मुंबई में हाजी अली दरगाह का निर्माण किया गया, और शायद इसीलिए हाजी अली दरगाह को समुद्र का पानी छू भी नहीं पाता। हाजी अली दरगाह समुद्र पर एक छोटे से टापू के ऊपर बनी हुई है। साल 1431 में बनी इस दरगाह पर इस्लामिक धर्म का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इस दरगाह में एक मस्जिद भी मौजूद है जहाँ पर लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। इस दरगाह में अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं। इस मजार को लाल और हरे रंग के कपड़ों से सजाया गया है और इसके आसपास से चांदी के डंडों से एक घेरा भी बनाया गया है। ये सब चीजें मिलकर इस दरगाह की खूबसूरती को बढ़ा देती है। हाजी अली दरगाह समुद्र के बीच है। यहाँ पहुँचने के लिए खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। दरगाह तक पहुँचने के लिए एक पुल बना हुआ है और इस पुल में समुद्र की लहरें अपना आतंक दिखाती रहती हैं। और अगर तूफान आ जाए तो पूरा पुल लहरों में समा जाता है। भले ही समुद्र कितना आतंक दिखा ले, लेकिन दरगाह के अंदर समुद्र का पानी नहीं जा पाता है। दरगाह की इस चमत्कारी ताकतों के कारण लोग दूर दूर से अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं। इस दरगाह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ किसी जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता है। किसी भी धर्म के लोग यहाँ आकर माथा टेक सकते हैं।
हर साल भारी मात्रा में दुनिया भर के लोग इस चमत्कारी दरगाह को देखने और इसकी शक्तियों को महसूस करने के लिए पहुंचते हैं। हम सब यह बात जानते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय अरब देशों से हुआ है। अरब के मुसलमानों ने दुनिया भर में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। हाजी अली भी उनमें से ही एक थे जिन्होंने इस्लाम का प्रचार दुनिया भर में किया। दुनिया का ऐसा कोई भी मुसलमान नहीं होगा जो हाजी अली शाह को नहीं जानता होगा। मुसलमानों का हाजी अली दरगाह के बारे में यह कहना है कि अल्लाह के बंदे इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि कोई चाह कर भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, फिर चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना हो। और इस रहस्यमय चीज को मुंबई के लोग अपनी आंखों से देखते हैं। तमाम लोगों का हाजी अली दरगाह के बारे में कहना है कि मुंबई में चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो, फिर मुंबई डूब ही क्यों ना जाए, लेकिन हाजी अली की दरगाह में कभी भी पानी नहीं जा सकता है। मुंबई की बारिश के बारे में हम सबको पता है, लेकिन भले यह बारिश कितना भी रौद्र रूप ले ले, लेकिन यह हाजी अली दरगाह को छू नहीं पाता। इस दरगाह से जुड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी है। इस दरगाह में महिलाओं का जाना पूरी तरह से वर्जित है। मुस्लिम पुराणों में लिखा गया है कि महिलाओं को दरगाह में जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। साल 2011 से पहले मुस्लिम महिलाएं दरगाह में प्रवेश कर सकती थी, लेकिन फिर 2011 के बाद चीजें बदल गई और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने महिलाओं के जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ केवल पुरुष ही जा सकते हैं। महिलाएं अभी भी अपने हक के लिए लड़ती हुई नजर आ रही हैं और यह केस कोर्ट में चल रहा है। हमारे आज के वीडियो से आपको हाजी अली दरगाह से जुड़ी सारी जानकारियां जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपको किसी विषय के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।